और यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 71,661 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू हो गई। प्रदेश भर के बीएसए ऑफिसेज में यह काउंसलिंग हो रही है। काउंसलिंग 2 दिनों तक चलेगी और उसके बाद 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। इससे पहले 3 जून को काउंसलिंग के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों को बैरंग वापस लौटना पड़ा था। 31,661 सहायक शिक्षकों के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है। आज और कल यानी 2 दिनों तक प्रदेश भर के बीएसए कार्यालयों में ये काउंसलिंग होगी। हम इस समय पर लखनऊ बीएसए कार्यालय पर मौजूद हैं। यहाँ पर करीब 150 जो उम्मीदवार हैं उनकी काउंसलिंग की जा रही है। 2 दिनों तक काउंसलिंग के बाद 16 तारीख को यानी 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इससे पहले 3 जून को काउंसलिंग के दौरान ही अभ्यर्थियों को वापस लौटना पड़ा था। कोर्ट के आदेश के चलते भर्ती पर रोक लगाई गई थी और अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 अक्टूबर को जब नियुक्ति पत्र देंगे तो उसमें भी साफ लिखा होगा कि यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसके अधीन होगी। यार पिछली बार जब आप लोग आए थे और अचानक से फिर बैरंग लौटना पड़ा और इस बार भी आपको दिया जाएगा नियुक्ति पत्र लेकिन उसमें कोर्ट के अधीन का भी जिक्र होगा, तभी लगता है कि नौकरी परमानेंट मिल गई है, अभी भी खतरा है? सर हम पॉजिटिव ही सोचेंगे, हम ये सोचेंगे हमें परमानेंट मिल गई है नौकरी और फिर कोर्ट के अधीन है, कोर्ट के अधीन रहेगा, जो होगा देखा जाएगा। मैं पॉजिटिव सोचती हूँ कि मुझे परमानेंट मिल चुकी है नौकरी। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज हम लोगों की काउंसलिंग हो रही है और आई विश की हो जाए, अच्छी तरह से ये सब निपट जाए और हमें 16 को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। ये जाहिर है कि शिक्षा विभाग में इनको नौकरी मिलेगी, सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोर्ट के अधीन जो मामला अभी लंबित है, कोर्ट फैसला लेगा उसके तहत ये नियुक्ति इनकी अभी कहीं ना कहीं फंसी हुई है। इसको लेकर असमंजस जरूर है लेकिन एक उम्मीद है कि कम से कम काउंसलिंग की नौबत आई है और काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र भी मिलेगा और सिर्फ आज और कल काउंसलिंग के बाद परसों मुख्यमंत्री इस पूरे मामले सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन उस नियुक्ति पत्र में पहले ही बताया कि कोर्ट के फैसला अधीन होगा वो नियुक्ति, इसको लेकर के अभी इनको उम्मीद जगी है लेकिन उस उम्मीद में अभी भी इनको संशय के बादल बरकरार हैं। कैमरा पर्सन जितेन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। कानपुर में भी 350 पद आवंटित किए गए हैं। इसमें 346 चयनित अभ्यर्थियों की सूची आई है जिनमें 107 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। इन सभी की काउंसलिंग होगी और 16 तारीख को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। हालांकि नियुक्ति पत्र में अभी स्कूल का नाम अंकित नहीं होगा, सिर्फ जिले में नियुक्ति दी जाएगी। मेरठ में भी 128 पदों पर सहायक अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है। अभ्यर्थियों की काउंसलिंग मेरठ के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में की जा रही है। 17 अक्टूबर से नवरात्र चालू हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31,661 परिवारों को एक बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती का रास्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है। 14 और 15 अक्टूबर को इन सभी सहायक अध्यापकों की काउंसलिंग होगी और 16 अक्टूबर को इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सहायक अध्यापकों के दिल में वो भी जानने की कोशिश करेंगे, हम उन्हीं से बात करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया संतोष है। आज जिस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर रही हैं, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है भैया, बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, अब नौकरी मिल ही जाए, बस कोई रुकावट ना आए। मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का और यूपी सरकार का। तो ये वो सहायक शिक्षक हैं जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी का ये धन्यवाद अदा करते हैं और जिस तरीके से जो ये लम्हा आज इनके सामने आया है उसको लेकर के इनका क्या कहना? क्या नाम मैडम आपका? बलविंदर कौर। क्या कहेंगी मैडम, आज तो आप फॉर्म फिलअप कर रही हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रही हैं और 16 को आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा? जी हम बहुत खुश हैं और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज हमें ये घड़ी दिखाई है कि हमारा सिलेक्शन 31,000 में हो गया है। अच्छा, इस घड़ी का कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है? सर 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं हम इस चीज़ का, हमें बहुत ही इंतज़ार है इस चीज़ का, बहुत परेशान हुए थे, मेंटली डिस्टर्ब भी थे 2 साल से और आज वो घड़ी आ गई तो हम बहुत खुश हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यूपी गवर्नमेंट के लिए। नवरात्र से पहले ये खुशी इन
सहायक शिक्षकों के लिए कितनी बड़ी सौगात है हम इन्हीं से जानेंगे। क्या कहेंगे मैडम नवरात्र से पहले भर्ती? बहुत बढ़िया सौगात है नवरात्र से पहले, ये हमारे लिए काफ़ी दिनों के बाद बड़ी कड़ी मेहनत करने के बाद, संघर्ष करने के बाद बड़ी मुश्किल से ये दिन देखने के लिए आया है कि हर्षोल्लास का माहौल है और हर सहायक शिक्षक जो कैंडिडेट है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। लेकिन 2 सालों की कड़ी मशक्कत के बाद अभी भी कुछ कैंडिडेट के दिलों में धुक-धुक है कि क्या ये भर्ती हो पाएगी, क्या उन्हें नियुक्ति पत्र मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो उन्हें ये साफ कह दें कि मुख्यमंत्री जी ने ये साफ कहा है कि 31,661 अभ्यर्थियों को 16 तारीख को काउंसलिंग के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, बाकी बचे सहायक अध्यापकों के लिए बाद में सोचा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि 31,661 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति 16 तारीख को हो जाएगी। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।